दुनिया भर में हजारों डरावनी जगह है। हमारे देश में भी ऐसे कई स्थान हैं जिन्हें लोग भूतिया मानते हैं, लेकिन आपने शायद इस झील के बारे में सुना होगा। इस झील का नाम रूपकुंड झील है। इस झील को दुनिया का सबसे भूतिया झील भी माना जाता है। यह हमारे देश के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसमें आज भी आपको सैकड़ों की तादाद में नरकंकाल देखने को मिल जाएंगे। हालांकि यह झील देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगी, लेकिन इसका इतिहास बेहद ही डरावना है। हिमालय की तलहटी में मौजूद यह झील बहुत ही सुंदर है। यह समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। झील की खूबसूरती के चलते यहाँ हर साल हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं, लेकिन इसके पास जाने से एक डर का एहसास होता है। इस झील में नर कंकाल होने की वजह से इसे कंकाल की झील भी कहते हैं। यह झील साल भर जमी रहती, लेकिन मौसम गर्म होने पर इसकी बर्फ पिघलने लगती है, और बर्फ पिघलने के साथ ही आपको नर कंकाल भी देखने को मिल जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस झील में अब तक 600 से 800 लोगों के नरकंकाल पाए गए हैं। पूरे साल बर्फ में जमने के कारण अब भी कुछ कंकाल पर मांस देखने को मिल जाता है। बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने इस झील को रहस्यमयी बताया है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बता दें कि इस झील में सबसे पहले 1942 में ब्रिटिश जनरल ने नरकंकाल होने की बात कही थी। झील में मौजूद हड्डियां और कंकाल को लेकर कई तरह की कहानियां हैं। साल 2004 में वैज्ञानिक ने कार्बन डेटिंग से पता लगाए थे कि इसमें मौजूद हड्डियां 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जबकि कुछ हड्डियां लगभग 100 साल से ज्यादा पुरानी है। वही वैज्ञानिकों का कहना है कि इस झील में हड्डियों और कंकाल जिन लोगों के, वह एक साथ नहीं मरे, बल्कि उनकी मौत अलग अलग समय पर हुई है।